जो कि बीएसएससी में आया था इस बार। दिखाते हैं अभी ये क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो था बीएसएससी वाला वो था इस प्रकार से, ये यहाँ पर ए था, एक ये प्रतिरोध था, ठीक है, एक ये प्रतिरोध था, फिर कैसा था क्वेश्चन, फिर एक यहाँ प्रतिरोध था, फिर एक यहाँ प्रतिरोध था, और फिर एक यहाँ प्रतिरोध था, ठीक है, यहाँ से यहाँ लगा हुआ था। अब यहाँ पर ए था, यहाँ बी था, और ये है 4 ओम का प्रतिरोध था, ये ऊपर वाला 2 ओम, फिर ये 4 ओम, फिर नीचे वाला 2 ओम, और फिर ये कितना था 2 ओम। अब कह रहा था इसमें कि आपको ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या कह रहा था, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, और आपका जो आंसर ऑप्शन दिया हुआ था ए नंबर में 8 ओम। तो यहाँ पर आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध का संयोजन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने से ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समांतर क्रम संयोजन है या श्रेणी क्रम संयोजन है, दोनों मिक्सअप है इसमें, ठीक है। और आपका जो आंसर ऑप्शन दिया हुआ था बीएसएससी में, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया हुआ था। तो बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे 14 सही बता रहे हैं, बहुत सारे 1.5 सही बता रहे हैं, बहुत सारे 2 ओम सही बता रहे हैं, तो आखिर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ से इसको इसको काट के हटा ले बाहर, और इसको हम क्या कर दें, इसको सीधा कर दें, यहाँ से काट करके हटा ले और इसको सीधा कर दें, तो ये हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम, यानी कि ये दोनों हो गया, इसको यहाँ से हम सीधा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये दोनों कैसा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये सीरीज में हो गया, श्रेणी में हो गया, तो श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाता है, समतुल्य निकालते हैं तो जुड़ गया, यानी कि ये दोनों जुड़ करके 4 ओम का एक प्रतिरोध बना लेगा, 4 ओम हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ से अगर हम मिटा करके एक ही प्रतिरोध लगा दें यहाँ से, ये हो जाएगा कितना का, 4 ओम का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको काट लेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे, अब इसको अलग कर लेंगे, ये 4 ओम हो गया, अब ये 4 ओम यहाँ बचा हुआ है, तो इसको ये 4 ओम है, यानी कि ये 4 ओम हो गया नीचे वाला, और ये 4 ओम हो गया ऊपर वाला, यानी अब देख रहे हैं कि दोनों फिर पैरेलल में हो गया, अब ये था 4 ऊपर वाला, अब पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/r निकालेंगे, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/2, उल्टाएंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये दोनों मिला के 4 मिला के 2 हो गया, अब ये दोनों को एक प्रतिरोध बना देंगे, दोनों को मिला करके एक बना देंगे, तो ये दोनों मिल करके एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 ओम का, ठीक है। अब देखिए अब कितना इंटरेस्टिंग था इसमें, अब क्या इंटरेस्टिंग था वो देखिए, ये जो था अब ये यहाँ से आया, यहाँ मुड़ा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से काट लें और इसको यहाँ से सीधा कर दें, अगर इसको यहाँ से हटा लें, ठीक है, इसको यहाँ से हटा लें, और ये जो इधर था उसको हम इधर सीधा तरफ ले जाएं, इधर हो जाएगा ये पूरा, यहाँ से मुड़ा हुआ था इसको हम सीधा करके, इसको सीधा करके इधर कर लिए, ठीक है, तो ये 2 और यहाँ पर कितना था 2 कितना हो गया, फिर 4 हो गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गया, जुड़ जाएगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 4, तो ये दोनों मिला करके 1 हो गया 4। अब यहाँ से हमने काटा था, फिर इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए अब कैसा लग रहा है आपको, ये 4 ओम था, अब ये वायर से जुड़ा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे, ये हो गया 4 ओम, बस वही था, वो ऐसे था, उसको हमने सीधा करके ऐसे कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों सीरीज में हो गया, 4-4 का सीरीज कितना होता है 2 ओम, तो आपका जो आंसर हो गया था वो हो गया था 2 ओम, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके आसानी से बना सकते थे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बीएसएससी ने पूछा था, तो मैंने उसको बताया कि इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। चलिए अब एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकते